कागज पर नाम लिखकर जलाने से होगा तीव्र वशीकरण। ये वशीकरण प्रयोग संपूर्ण अलग है दूसरे प्रयोग से, बहुत शक्तिशाली एक्टिव वशीकरण प्रयोग है, एक दिन का प्रयोग है। आप लोग अपने घर में रहकर ये अनुष्ठान कर सकते हैं। चाहिए आत्मविश्वास, ईश्वर के ऊपर, गुरु के ऊपर भरोसा। आज का कंटेंट बहुत सुंदर अनोखा है। पूरा वीडियो को बिना स्किप किए, बिना डाउनलोड किए वीडियो को एक बार देखिए अनुष्ठान पद्धति, उसके बाद अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। अनुष्ठान पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन बेल कॉल कीजिए। चलिए कंटेंट शुरू करता हूँ। कागज पर नाम लिखकर होगा वशी। जय श्री राम, जय मां मुंड मालिनी। मैं योगी श्री प्रकाश नाथ तंत्र गुरु चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। विषय कागज पर नाम लिखकर, यानी कि एक यंत्र बनाकर होगा शक्तिशाली वशीकरण प्रयोग। मंत्र सहित यह प्रयोग है, जेन्युइन ओरिजिनल तांत्रिक प्रयोग देखने के लिए, जानने के लिए, निशुल्क विद्या सीखने के लिए तंत्र गुरु चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर वीडियो देखिए और अप्लाई भी कीजिए। देखिए कमेंट में लोग क्या बोल रहे हैं, मंत्र का प्रयोग क्या है। एक वीडियो डाला था मैंने, जो खोया हुआ सामान आप लोगों को मिल जाएगा गांड बांधकर। कितने लोग अभी तक उस प्रयोग को अप्लाई किए, कितने लोगों को उस प्रयोग में सफलता मिला। अगर सामान आपके घर में है 101% आप लोगों को मिलेगा, सामान नहीं है तो कहाँ से लाएगा प्रयोग। कोई अगर सामान आपके घर से अगर कोई व्यक्ति सामान चुरा कर ले के चला गया तो क्या चोर आपके सामान में दोबारा सामान को दोबारा अपने घर में रखने के लिए आएगा। थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगा कर प्रयोग कीजिए। कभी अभी भी लोग आकर फ़ोन भी लगाते, अभी भी कुछ मंद बुद्धि आकर बोलते हैं मेरा ट्रैक्टर चोरी हो गया, मेरा गाय चोरी हो गया, मेरा बाइक चोरी हो गया, मेरा फ़ोन चोरी हो गया। अभी भी होता है, ठीक है। संसार में हर किस्म के लोग है, सुबुद्धि संपन्न है, दुर्बुद्धि संपन्न भी है, शून्य बुद्धि संपन्न भी है, जिसके दिमाग में शून्य है, जीरो है। तो हर किस्म के इंसान समाज में है, संसार में है, सबको लेकर चलना पड़ता है, ठीक है। थोड़ा बोलने से क्या होता है, आकर मैं जब सुनता हूँ ना, ऐसे ही दिन भर में मेरा काम का जो लेकर दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, जब ऐसा सुनता हूँ ट्रैक्टर चोरी हो गया है, नाक का चोरी हो गया, तो उस समय तुरंत दिमाग 440 डिग्री में चला जाता है। आप लोग समझिए बात को, तो छोड़िए। तो ये जो प्रयोग है आप लोगों को कैसे करना है, एक यंत्र रहेगा वीडियो के अंदर, मंत्र रहेगा वीडियो के नीचे विवरण बॉक्स पर। आप लोग उस यंत्र को अप्लाई करना है। कैसे यंत्र को बनाना है, स्केच पेन से बना सकते हैं, केसर के सिहाई और अनार या चमेली के कलम से भी बना सकते हैं। यंत्र में एक अमुक स्थान बोलकर एक जगह होगा, उस जगह में आप लोगों को नाम लगाना है। मंत्र में एक अमुक स्थान है, उसमें आप लोगों को पार्टनर का नाम बिठा कर जाप करना है। दोनों जगह पर ही बता दिया। अभी यंत्र को बनाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यंत्र को बनाने के बाद यंत्र का जला देना है उसी स्पॉट में बैठकर। कोशिश कीजिए ये प्रयोग करने के लिए सुबह को 10 बजे से पहले, नहीं होता है तो रात के 10 बजे के बाद, शनिवार को ही ये प्रयोग आप लोगों को करने से बहुत उत्तम है। हर हफ्ते में शनिवार, नहीं तो कोई भी शुभ तिथि, कोई भी शुभ तिथि, अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, चतुर्दशी हो, संक्रांति हो, त्रयोदशी हो, या इसके अलावा कोई भी शुभ तिथि, चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, दीपावली का अमावस्या हो, मकर संक्रांति हो, इत्यादि साल में कहीं ना कहीं शुभ तिथि, हर महीना में एक दो शुभ तिथि आता है, ठीक है। तो ये शुभ तिथि में विशेष रूप से आप लोग इस अनुष्ठान को कर सकते हैं, उसमें शनिवार नहीं होने से भी चलेगा। शुभ तिथि नहीं है तो सीधा शनिवार से ही अनुष्ठान शुरू होगा, ऐसा करता आप लोगों को समझ में आया। तो अभी ये जो अनुष्ठान आप लोग कर रहे हैं, यंत्र को बनाए, यंत्र को सूखने दीजिए। जब तक यंत्र सूखता है तब तक आप लोग मंत्र को 108 बार अनुष्ठान कर लीजिए, पाठ कर लीजिए, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके धूप और दीप जलाकर। हर अनुष्ठान में धूप और दीप जलेगा, ठीक। अभी 108 बार मंत्र का अनुष्ठान हो गया, धूप और दीप यंत्र को ऊपर दिखाइए, यंत्र को चिमटा से पकड़कर आप लोग यंत्र को जला दीजिए, कैंडल से नहीं, यंत्र को जलाइए। कैंडल सनातन हिंदू धर्म में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आप लोगों को क्या किससे जलाना है, आप लोगों को जलाना है आप लोगों को दिया जलाना है, किसी भी तेल का दिया जलाइए, दिया से आप लोग यंत्र को जलाइए। यंत्र को जलाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यंत्र का जो राग बचता है वो राग को आप लोगों को रख देना है। अभी राग को रखने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपमार्ग या अपमार्ग
रक्त तो आपांग जिसको बोलते हैं अपमार्ग, आपांग लाल हो या हरा हो कोई भी असुविधा नहीं, आपांग का आप लोगों को जड़ लेके आना है, ठीक है। उसमें भी सुप्तिथि का इस्तेमाल होगा, सुप्तिथि कोई भी सुप्तिथि में आप लोग जड़ को लेके आइए, अपमार्ग का जड़ लेके आने के लिए अपमार्ग को न्योता देकर जड़ को लेके आइए। अभी लेके आने के बाद उस जड़ के साथ आप लोग जड़ को पीस लीजिए अच्छी तरह से, उस जड़ के साथ उस राख को मिला लीजिए। जब भी आप लोग इच्छित जो व्यक्ति का नाम लगाकर अनुष्ठान किए उस व्यक्ति के सामने जाएंगे तो अनामिका उंगली से उसको तिलक लगा के जाइए, इंस्टेंट वशीकरण का प्रयोग में ये काम में आएगा, इमीडिएट वशीकरण प्रयोग, इमीडिएट वशीकरण के रूप में आप लोग इसको आजमा सकते हैं या इसको एक बार अप्लाई करके देख सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा का चार्जेस नहीं है, अनुष्ठान करने में भी आप लोग का एक पैसा खर्चा नहीं है। इससे बेहतरीन तांत्रिक उपाय शायद और कोई जगह पे नहीं मिलेगा। मंत्र देखिए पाठ करके, तंत्र से मंत्र मैच करता है कि नहीं देखने के बाद अनुष्ठान कीजिए। ना मंत्र बनाता हूँ ना तंत्र बनाता हूँ, कोई भी चीज़ का रचयिता हूँ नहीं, ना ब्रह्मा का मानस पुत्र हूँ, ना महादेव का अवतार हूँ मैं। इसीलिए जो बोलता हो सीधा मुंह के ऊपर बोलता हो, सुनने में थोड़ा कान में चुभेगा लेकिन सच्चा जो सत्य बात है वो थोड़ा कड़वा होता है, जो मीठा है वो लेप लगाकर बोला जाता है। शहद का लेप ऐसे लगाया जाता है ना, लेप लगाओ लेप लगाओ लेप लगाओ, उसके बाद गला ऐसे काट लेता है। इसलिए मेरा गला काटने का इरादा नहीं है, मैं स्ट्रेट बोलता हूँ, सीधा बोलता हूँ, सत्य बोलता हूँ, आगे ईश्वर की इच्छा है। मेरा माँ सुन रहा है, मेरा माँ जान रहा है, जब मैं किसी को धोखा या गुमराह करने का ना मेरा उद्देश्य ना मेरा चैनल का उद्देश्य है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया। वीडियो को प्रश्न करने से पहले वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, अगर मेरे से कोई पॉइंट छूटता है तभी आकर कमेंट कीजिए या फ़ोन लगाकर वीडियो के बारे में ना पूछे, व्हाट्सअप पर कॉल ना करें। बार बार मैसेज करने के बाद भी व्हाट्सअप पर कॉल करते हैं, बार बार स्ट्रिक्टली मैं बना कर देता हूँ, उसके बाद व्हाट्सअप पर कॉल करेंगे एक बार वार्निंग दिया जाएगा, दूसरा बार कॉल करेंगे तो सीधा ब्लॉक कर देंगे। मैं आप लोगों को बार बार ये बता रहा हूँ, उसके बाद भी समझ में नहीं आता क्या करो। व्हाट्सअप पर बार बार कॉल करेंगे, जो बंदा व्हाट्सअप पर है वो फ़ोन नहीं उठाएंगे तो व्हाट्सअप आप लोगों के लिए बंद हो जाएगा। अगर वो मेरा जो चेला व्हाट्सअप चलाता है अगर वो विरक्त हो जाएगा परेशान हो जाएगा तो व्हाट्सअप मुझे मजबूरन व्हाट्सअप को बंद करना पड़ेगा। अगर चाहते हैं व्हाट्सअप बंद करूँ तो आप लोगों का इच्छा। आज का ये कॉन्टेंट को यहीं पर विराम देता हूँ। नेक्स्ट जो प्रयोग आप लोगों के लिए लेके आऊँगा वो भी शक्तिशाली अर्षदधाई तांत्रिक प्रयोग होगा। देखने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। टाचेस ऑफ नेचर चैनल पर चंद्र ग्रहण से संबंधित एक उत्तम वीडियो आएगा। चंद्र ग्रहण कब लग रहा है, क्या करना है, कैसे मंत्र सिद्धि करना है चंद्र ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में अनुष्ठान करने से माला माल कैसे बन सकते हैं, इसी संबंधित एक वीडियो टाचेस ऑफ नेचर पर आएगा। देखने के लिए चैनल के नीचे विवरण बॉक्स पर मेरे दूसरा सेकेंड चैनल का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, जाइए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए। आज के कंटेंट को ही विराम देता हूँ, फिर मिलता हूँ नए कंटेंट पर। हरिओम तत्सत।